नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित फॉर्मने और आप देख रहे हैं उदित ब्लॉग्स। अब मैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। आज कुआलालंपुर में मेरा पहला दिन रहेगा। बेसिकली अब मेरा एक टारगेट ये है कि मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने होटल जाऊंगा। मेरा होटल जो है वो चौकिट में है। अगर आप टैक्सी प्रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पर दो जैसे ऊबर हो गया एक और ग्रैब ऐप से आप प्रेफर कर सकते हैं। पोस्ट पेड या प्रीपेड टैक्सी का तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, वो नीचे जाके पता चलेगा। फिर बचते हैं दो ऑप्शंस, बस का और ट्रेन का। तो ट्रेन ऐसा है कि अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पता है अच्छे से कि वहाँ ट्रेन अप्रोचेबल हो रही है, फिर देन आप उसको ऑप्ट कीजिए, नहीं तो ट्रेन का एक पर्टिकुलर रूट है, आप हर जगह नहीं कर सकते। बस अगर आपके पास मैप है तो यहाँ फ्री बस सर्विसेज चलती हैं, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं और बहुत कम उसमें मुश्किल से 10-15 रिंगेट से लगेंगी। ट्रेन का ऐसा है कि थोड़ा बस से ज़्यादा फास्ट है, बट सेम थोड़ा सा कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप टैक्सी ऑप्ट कर रहे हैं तो टैक्सी आपको थोड़ा ज़्यादा उसमें और डबल उसमें ले जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप का डेस्टिनेशन कहाँ है और आपको कैसे जाना है। एक तो चीज़ ये हो गया। तो अब मैं देखता हूँ कि मुझे एक्चुअली ट्रेन पकड़नी है, तो मैं देखता हूँ कि ट्रेन कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने टिकट ले ली है। मुझे ये टिकट 55 रिंगेट की पड़ी। एक्चुअली दो टाइप की ट्रेन है, जैसे अब हमारे मुंबई में होता है फास्ट और स्लो लोकल, इसी तरीके से यहाँ पर भी वैसी कुछ है। आप यहाँ बोर्ड में देख सकते हैं। एक ट्रेन है जो कि सीधा डायरेक्ट केएल सेंट्रल तक ले जाएगी आपको, नॉन स्टॉप ट्रेन है। और एक और ट्रेन है जो 3 स्टॉपेज में रुकेगी, फिर देन आपको केएल सेंट्रल ले जाएगी। तो ऑब्वियस है उसका चार्जेस जो है वो थोड़ा कम रहेगा, और ये जो डायरेक्ट सुपर फास्ट ट्रेन है वो आपको डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन में पहुंचाएगी। तो ये देख सकते हैं आपकी ट्रेन आ रही है, जिसमें मुझे आगे फर्दर ट्रैवल करना रहेगा। तो चलते हैं। ये केएल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मुझे कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केएल सेंट्रल तक 28 मिनट में पहुंचा रही है। यहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है। और ये मुझे 55 मलेशियन रिंगेट्स की पड़ी ये टिकट। तो अभी मैं ऑन द वे हूँ। एक और जो मैंने बताया था स्लो ट्रेन, केएल ट्रांजिट बोलते हैं उसको, वो 45 मिनट्स लेती है। तो ज़्यादा फर्क है नहीं दोनों में, वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और मुश्किल से 20 मिनट का अंतर आएगा। तो बेटर अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ केएल सेंट्रल स्टेशन में। ये काफ़ी बहुत बड़ा जंक्शन है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आपको यहाँ शॉपिंग मॉल वगैरह सब देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको अब यहाँ से ऑप्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है, तो उसी हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। अगर आप मोनोरेल से हैं तो आपका अलग काउंटर रहेगा। तो बेसिकली ये मैप आपको दिखाता है कि आपको किस तरीके से मूव करना है। हर कलर का अलग अलग कोड है, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है कैसे। और टिकट्स के लिए
आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी मशीनें लगी हैं, जैसे वो उधर आपको दिख रहे हैं मशीन्स, यहाँ पे आपको मशीन्स दिख रही हैं। तो जस्ट आपको पैसे इंसर्ट करने हैं और आपकी टिकट तुरंत आपको मिल जाएगी। तो बहुत इजी है, बट पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या मोड यूज़ करना है। जैसे कि अभी मैं चौकेट जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे मोनोरेल ले जाएगा, तो मोनोरेल की मैंने टिकट ली है अभी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे बेसिकली यहाँ ये डाउट हो रहा है कि ये केएल सेंट्रल स्टेशन है कि मॉल है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक मॉल ही है। एक पार्ट में स्टेशन है और दूसरे पार्ट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया है। मैंने मोनोरेल की टिकट ले ली है, अब मैं जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो अब मैं अपने होटल पहुंच गया हूं। ये मेरा होटल है, क्यून होटल्स। ये काफ़ी चीप और काफ़ी अच्छा होटल है, क्योंकि इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे तो काफ़ी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था और रिकमेंड किए थे। तो अभी एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मलेशिया के जितने भी होटल्स हैं उनका चेक इन टाइम जो रहता है वो 2 बजे का रहता है, दोपहर 2 बजे का, और चेकआउट टाइम 12 बजे का रहता है। तो अभी मेरी घड़ी में अभी हो रहे हैं 12:30 बजे, अभी 1.5 घंटा है चेक इन करने के लिए। अगर आप अर्ली चेक इन करते हैं तो 15 रिंगेट्स वो मांगते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना मनी एक्सचेंज करवा लेता हूँ पहले, फिर देन कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर देन चेक इन करता हूँ। तब तक 1.5 घंटा हो भी जाएगा, देखते हैं मनी एक्सचेंज बेस्ट कहाँ होता है।